हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फॉर नेशन। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए टेंसले, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन सी लिंडेमान, ऑप्शन डी लिवेनहॉक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल। क्वेश्चन नंबर टू, समुद्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ऊपरी भाग में होता है। ऑप्शन ए प्लवन, ऑप्शन बी नेक्टन, ऑप्शन सी प्लवक और नेक्टन, ऑप्शन डी बेंथोस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए प्लवन। क्वेश्चन नंबर थ्री, औद्योगिक कचरे जिसमें पारा यौगिक होते हैं, इससे दूषित मछली खाने से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए ऑस्टियोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी हाशिमाटोज ऑक्सीडेज, ऑप्शन सी ब्राइट रोग, ऑप्शन डी मिनामाटा रोग। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिनामाटा रोग। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत के जैव रूपों में बहुत भिन्नताएं क्यों हैं? ऑप्शन ए विशाल आकार और विविधताओं के कारण, ऑप्शन बी छोटे आकार और विविधताओं के कारण, ऑप्शन सी ज्यादा भूमि के कारण, ऑप्शन डी जलीय निकायों और छोटे आकार के कारण। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विशाल आकार और विविधताओं के कारण। क्वेश्चन नंबर फाइव, यदि व्यक्ति अपने शरीर में वसा के जमाव को कम करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत से बचना चाहिए, दूध के सेवन को सीमित करना चाहिए, सभी वस्तुओं के लिए तैलीय पैच परीक्षण करना चाहिए, विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन और खनिजों से भरपूर भोजन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सुंदरी पेड़ किस प्रकार के जंगलों में होता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय कांटे वाले जंगल और झाड़ियां, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर एट, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए मणिपुर। क्वेश्चन नंबर नाइन, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10, स्टॉकहोम समझौते को का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का दूर करना, ऑप्शन सी खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान से बाध्यकारी आंदोलन का नियंत्रण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से पर्यावरण को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन नंबर 11, पीने के पानी में क्या मिलाने से ब्लैक फुट बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी कैडमियम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 12, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 22 जून। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 22 मई। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15, गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मूल जड़, ऑप्शन बी झुकाव जड़, ऑप्शन सी नोडलोस जड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।